जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब इतनी सारी खुशियों के बाद एक खुशी और है। क्या? राज। बताइए। वेट। मॉम डैड, वो ये बच्चा यहां कैसे? दरअसल लोग पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि उस बदमाश कमल और पूजा ने इस बच्चे को इसके माँ बाप से हासिल करने से पहले ही उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया। फिर पुलिस इसे अनाथ आश्रम ले जा रही थी। तो नहीं डैड, मॉम डैड कहीं बाहर क्यों भेजेंगे? हम लोग अपने पास रख लेते हैं ना, हम बड़ा करेंगे, हम परवरिश करेंगे। प्लीज डैड, प्लीज। राज ने भी बिल्कुल यही कहा। सच? तीर्थ स्थल पे ये बच्चा हमें मिला है, इस बच्चे का हमारे साथ जाना ये माता रानी का आशीर्वाद ही है। और मैं बहुत खुश हूं कि ये बच्चा अलावत खानदान का बच्चा होगा। अब से आप अलावत फैमिली का हिस्सा हैं। मीत, मीत भाभी को अब तक होश नहीं आया है? मम्मी जी ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। यो छोरी मीत मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ बन के खड़ी है, और नीलू के पेट में बच्चे की खबर से दामाद जी तो हमारे नीलू से और दूर चले जाएंगे। मम्मी जी ने कहा है कि कल वो लोग वापस आ रहे हैं और वो हम सब के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आ रही है। अच्छा है ना, हम सब साथ में मिलकर करवा चौथ की पूजा करेंगे। नीलम, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, और कल भाई भी लौट रहा है, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? तो पेट से। खुश कैसे होगी,
उसे ये चिंता हो रही है कि थारा भाई तन्ने इस घर में बर्दाश्त करेगा कि ना। इसलिए अपना सामान बांध ले, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी खाली हाथ बिना सामान के जाना पड़ जाए। ईशा चिंता ना कर, कल दामाद जी के आने से पहले तारी कोख खाली होगी। जो कुछ किया वो किसा के लिए किया ना, सचो पाने के लिए कि भैया बड़ा रहे है ना। मीत, तुम्हें इस बात का पहले से पता था? बस यूं समझ ले कि ये पत्थर रानी ने बल्ले इस रास्ते तक पहुंचा दिया। मैंने अस्पताल ला रहे थे पर मी तन्ने ही सारे बता देना चाहिए। सबसे पहला तो उसी का है ना ये बात जानने का। मैं जानता हूँ मित, इस बात को जानने का सबसे पहला हक ईशा का ही है, पर कैसे बताऊँ मित उसको पहने के टैक्स आते, जब ये बात उसको पता लगेगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मित, वो इंसान जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था दीप, उसको खोने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मित, इसलिए अम्मा ने मेरे सामने जो भी शर्त रखी मुझे माननी पड़ी। तुम्हारा बेटा जी लिया हमारे से, मैं छोड़ूंगी तेरी बहन को। इस राज को छुपाने के लिए आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो सुन, तन्ने मारी बेटी से ब्याह करना होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।